दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह अंडरग्राउंड नल फिटिंग की जाती है। दोस्तों किस तरह शावर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह फ्लश वाल का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह बेसिन का कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों सब कुछ आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं नल फिटिंग किस तरह से की जाती है। हमें यहाँ पर एक बाथरूम में नल फिटिंग करना है दोस्तों। हम झीरी ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें शावर के लिए पॉइंट देना है, फ्लश वाल के लिए पॉइंट देना है दोस्तों। इसके हमें किस तरह से इसकी फिटिंग करना है, कौन से सामान को कहाँ पर फिट करना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक शावर आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हमें शावर के लिए झिरी की है, आप देख सकते हैं। और यहीं से बाहर की ओर हमारा एक बेसिंग का पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे हमने नल के लिए एक बेसिंग के लिए पॉइंट दिया है दोस्तों। यहाँ पर हमारा बेसिंग फिट होने वाला है। नल के लिए एक पॉइंट हमें यहाँ पर देना है झिरी से। और यहाँ पर हमारी नल के लिए फिटिंग की है दोस्तों। और पास में हमारी एक टॉयलेट है, वहाँ टॉयलेट के लिए हमें फ्लश वाल के लिए कनेक्शन करना है दोस्तों। तो उसका कनेक्शन किस तरह करना है वो भी हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने झीरी पहले ही कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर एक शीट फिट है, इसके लिए हमें फ्लश वाल के लिए कनेक्शन करना है दोस्तों। तो यहीं से हमें इसका फ्लश वाल के लिए कनेक्शन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। यहाँ पर हमारे एक नल के लिए पॉइंट भी आने वाला है और एक फ्लश के लिए पॉइंट आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हमें पीछे की ओर इसका कनेक्शन करना है फ्लश के लिए। और यहीं से हमारी जो टंकी के लिए कनेक्शन जाने वाला है वो बाहर से जाने वाला है। तो उसकी फिटिंग किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं, हमें सामान क्या क्या लगने वाला है दोस्तों। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये सामान है, इसमें हमें नल की फिटिंग करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इंच की टी है, एक बाय आधे की टी है। हमारा जो मेन कनेक्शन होता है वो एक इंच का होता है। हमारे जहाँ पर नल के पॉइंट देना होते हैं वो आधा इंच के देना होते हैं। तो वहाँ पर हमें स्टी को लगाना होती है। ये हमारे पास एक इंच की एल्बो है, ये मेन नल के लिए हम काम में लेते हैं दोस्तों। फ्लश वाल के लिए काम में लेंगे इसे हम। और यहाँ पे हमारे पास एक आधा बराज टी है, आधा इंच की बराज टी है। जो हमारी आधे इंच की नल जाती है, कहीं हमें बीच में नल देना होता है, उस टी का हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास आप देख सकते हैं ब्रश एल्बो है। ये हमें नल के लिए, शावर के लिए जहाँ पर भी पॉइंट देना होते हैं, इस ब्रश एल्बो को हमें वहाँ पर लगाना होती है। ये हमारे पास एक इंच की टी, हमें कहीं पर भी दो पॉइंट देना हो, एक एक इंच के कितने भी कनेक्शन लेना हो तो वहाँ पर हमें इसे एक इंच का टीका यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक कंशील्ड वाल है दोस्तों। इसे हम शावर के लिए बंद चालू पानी के लिए यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हमें शावर की फिटिंग होने वाली है। यहाँ पर हमारा कंशील्ड वाल लगने वाला है। इस कंशील्ड वाल को हमें यहाँ पर लगाना है। तो इसमें और क्या क्या सामान लगने वाला है वो हम my appetite. Don't leave me high and dry.
करना है हमें यहाँ पे कनेक्शन के लिए एक MTA का यूज़ करने वाले, आधा इंच MTA का। तो यहाँ पे हमें इसको किपलान टेप लगा लेना ताकि हमें लाइन कहीं से भी लीकेज ना हो। इसमें थ्रेड आते हैं दोस्तों, इसमें हम सोल्यूशन भी लगा लेते हैं और इस कंसील वाल में स्टिक हम अच्छे से फिट कर लेते हैं, कस लेते हैं दोस्तों। आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है, हमें इसके कंसील वाल के दोनों तरफ MTA लगाना होगी। आपको प्लायर से या पाने से इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए अब यहाँ पे हमें शावर के लिए इस कंसीलर वाल को फिट कर लेते हैं। हमारे पास जो नल की जो टी लगाई हमने, उसको मिनिमम आपको कम से कम 6 इंच पे रखना है, इसके इतनी ऊपर रखना है ताकि हम जो नल यहाँ पर कसें तो हमें नल यूज़ करने में कंसीलर वाल कहीं पर भी नहीं अड़े। तो चलिए इस पाइप को हम काट के इस कंसीलर वाल में फिट कर लेते हैं और कंसीलर वाल को वहाँ पर लगा लेते हैं। हमारी कंसील वाल की फिटिंग भी हो चुकी है दोस्तों। अब हमें एक ऊपर शावर के लिए पॉइंट देना होगा, तो हम शावर के पॉइंट के लिए यहाँ पे एक ब्रास एल्बो का यूज़ करने वाले हैं। ऊपर की ओर हमें शावर के लिए पॉइंट देना होगा, हमारे आधे इंच ब्रास एल्बो है। तो हमें इसे मिनिमम हमारी जो छत की हाइट होती है उससे कम से कम आपको 4 से 5 इंच नीचे रखना है ताकि हमारे शावर कसने में हमें कहीं से भी परेशानी ना हो। चलिए इस पाइप को हम नाप के काट लेते हैं और इस ब्रास एल्बो में फिट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन लगा के ब्रास एल्बो लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको एल्बो वगैरह बिठाने के बाद इसे थोड़ा सा घुमा लेना है, हमें इस तरह भी सोल्यूशन लगाना होगा। इस मौका हमारे पास जो कंसीलर वाल की MTA लगाई है दोस्तों, वहाँ पे इसको फिट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कंसीलर वाल से शावर का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर हमारे बाथरूम में एक नल के लिए पॉइंट के लिए कनेक्शन, एक शावर के लिए कनेक्शन हो चुका है। हमें यहाँ पर इस पाइप को यहाँ पर बिरंजी से अच्छे से टाइट कर देना है ताकि हमारे जो प्लास्टर में कहीं पर भी बाहर ना आइए। इसे अच्छे से हम बिरंजी से टाइट करते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक के प्लम्बिंग के हमारे घर में जितने भी काम होते हैं दोस्तों, सब कुछ आगे चैनल पर हम वीडियो डालने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बेसिंग के लिए पॉइंट देना है, तो यहाँ पर हमें एक आधे इंच का पॉइंट देना होगा। हमारे पास जो मेन लाइन है वो 1 इंच की लाइन है, तो उसमें हमें 1 इंच से आधे इंच कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक रेड्यूसर का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारी जो मेन लाइन है वो 1 इंच की है, तो यहाँ पर हम इस रेड्यूसर को फिट करने वाले हैं, जिससे हमारा जो बेचिंग के लिए पॉइंट है वो हमें आधा इंच का देना होगा। तो चलिए रेड्यूसर को हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पाइप का टुकड़ा लगने वाला है जॉइंट के लिए। चलिए अब इस पाइप में हम यहाँ पर दोनों तरफ सोल्यूशन लगा लेते हैं। हमें रेड्यूसर को इस पाइप में अच्छे से फिट कर देना है दोस्तों। अब इस पाइप को हमें यहाँ पे जो हमने टी लगाई है कनेक्शन के लिए, वहाँ पे इसकी फिटिंग कर लेते हैं, जिससे हमारी जो 1 इंच की लाइन है वो आधे इंच में कनेक्शन हो जाएगा। हमें बेसिंग के लिए आधे इंच का पॉइंट देना होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 इंच से आधे इंच कनेक्शन किस तरह किया है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें एक आधे इंच की एल्बो लगने वाली है, तो चलिए इस एल्बो को हम यहाँ पर लगा कर इसकी नपती कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किस तरह से इसकी नपती की है दोस्तों। यहाँ पे हमें इस पाइप को बराबर काट लेना है ताकि हमारे एल्बो में और रेड्यूसर में पाइप आराम से फिट हो सके। आप देख सकते हैं हमारा पाइप बिल्कुल सही से नपती में कटा हुआ है। चलिए अब इसको इस तरफ सोल्यूशन लगा के हमारा रेड्यूसर में फिट कर लेते हैं दोस्तों। अब यहीं से हमें एक बाहर के लिए एक बेसिंग के लिए पॉइंट ले आना होगा, तो यहाँ पे हमें एक आधा इंच का पाइप लगने वाला है। तो चलिए इस पाइप को भी हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं और बाहर बेसिंग के लिए एक पॉइंट दे देते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक बेसिंग लगने वाला है, आपको यहाँ पर बिजली से पाइप को अच्छे से टाइट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम इस पाइप की नपती करके यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक एल्बो लगने वाली है। यहाँ पे इस तरफ हमारे पास आधा इंच की एक शादी एल्बो लगने वाली है। नीचे हमें एक पॉइंट, हमारा जो बेसिंग का पॉइंट आने वाला है, नीचे की ओर आने वाला है। यहाँ पर हमें नीचे की एक ब्रास एल्बो लगाना होगी। हम नल के लिए जहाँ पर भी पॉइंट देते हैं वहाँ पर एक ब्रास एल्बो का यूज़ करते हैं। तो चलिए इस पाइप की नपती करके यहाँ पर एल्बो को फिट कर लेते हैं। आप बेसिंग के लिए, शावर के लिए, नल के लिए जहाँ पर भी आपको पॉइंट देना हो वहाँ पर आपको ब्रास एल्बो लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पर हमारा बेसिंग के कनेक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर हमें बेसिंग के लिए पॉइंट दिया है, हमारा नल का कनेक्शन, शावर का कनेक्शन किस तरह हमने किया है दोस्तों। और अब हम आगे हम फ्लश वाल का कनेक्शन करने वाले हैं शीट के लिए, तो उसका कनेक्शन किस तरह करना है, फ्लश वाल को किस तरह फिट करना है, कितनी नपती में रखना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बाथरूम की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने एक शादी फिटिंग की है दोस्तों। यहाँ पर गीज़र की फिटिंग भी होती है इस बाथरूम में,
वो हमने आगे इस चैनल पर वीडियो डाले हैं। अगर आप गीज़र की फिटिंग देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उस तरफ हमें एक फ्लश वाल के लिए कनेक्शन करना है, एक मेन टंकी के लिए कनेक्शन करना है। तो चलिए उस तरफ हम फ्लश वाल का कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी शीट फिट हो चुकी है, पहले ही हमने इसकी फिटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ से हमें एक नल के लिए पॉइंट देना होगा इसमें, और यहीं से हमें एक फ्लश के लिए पॉइंट देना होगा। यहाँ पर हमारा नल लगने वाला है, तो चलिए नल के हमने लिए हमें झीरी करना होगी, उसको हम कटिंग कर लेते हैं और उसकी झीरी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक नल के लिए पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे हमें जो पॉइंट देना है नल के लिए, वो आधा इंच का देना होगा। तो यहाँ पे हमें एक इंच बाय आधा इंच का टी का यूज़ करने वाला है। दोस्तों हमें जो मेन लाइन है वो एक इंच की लाइन है, और नल के लिए हमें जो पॉइंट देना है वो आधा इंच का देना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक आधा की टी लगाना होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर पाइप की नप्ती करके इसकी पाइप की कटिंग कर लेते हैं। आपको जहाँ पर भी पॉइंट देना हो नल के लिए, वो आधा इंच के देना होंगे। हमारी जो मेन लाइन आती है वो एक इंच की होती है। तो चलिए इस पाइप को यहाँ पे इस टी में चिपका लेते हैं और नल के लिए हम कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक के, प्लम्बिंग के, जितने भी हमारे घर में काम होते हैं दोस्तों, सब कुछ आगे चैनल पर हम वीडियो डालने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हमारा यहाँ पर नल के लिए टी का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इस कनेक्शन के लिए नीचे की ओर एक ब्रश एल्बो लगाना होगी। तो हमें इस ब्रश एल्बो को सबसे पहले हमारे जो फर्श लगा हुआ है शीट के लिए, हम जो फर्श लगाने वाले हैं हमें उससे इसको मिनिमम 15 इंच पर रखना है, ताकि हमारे जो बाल्टी वगैरह जो भी बड़ा बर्तन हो वो भी आराम से यहाँ पर रखा सके। तो चलिए हमने यहाँ पर इसको ब्रश एल्बो को 15 इंच पर रखा है। अब यहाँ पर हम इसकी एक नप्ती कर लेते हैं इस ब्रश एल्बो की। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे और जो ब्रश एल्बो लगने वाली नल कनेक्शन के लिए, इसको टी में फिट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो शीट के लिए हमने जो नल के लिए पॉइंट देना है दोस्तों, उसका कनेक्शन भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पे एक फ्लश के लिए वाल का कनेक्शन करना होगा। तो उसका कनेक्शन किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं, उसको ज़मीन से कितनी ऊपर रखना है। यहाँ पर हमें इस तरफ नीचे की ओर फ्लश के लिए कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर हमें एक इंच की एल्बो लगने वाली है। चलिए इसकी नप्ती करके हम इसकी कटिंग करके इसको फिट कर लेते हैं। आपको इस ब्रश एल्बो में पाइप को फिट करके दोनों तरफ रेशल लगा लेना है। चलिए यहाँ पे हम इस एल्बो को यहाँ पर इस टी में फिट कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें नीचे गिर एक फ्लश का वाल लगने वाला है, फ्लश के लिए, शीट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फ्लश कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक इंच एनपी लगाना होगी। हमारे जो फ्लश के वाल होता है उसमें दोनों तरफ थ्रेड होते हैं, तो यहाँ पर हमें उसे जॉइंट के लिए एक एमटी लगने वाली है। तो एमटी में हमारे जो थ्रेड होते हैं उसमें हमें केप्लॉन टेप लगाना होती है, ताकि हमारी लाइन कहीं से भी लीकेज ना हो। उसको आपको टेप को अच्छे से लगा लेना है, टाइट लगा देना है। और टेप लगाने के बाद आपको इसमें सोल्यूशन भी लगा लेना है। चलिए यहाँ पे हमारी केप्लॉन टेप लग चुकी है, अब इसमें हम सोल्यूशन लगा लेते हैं और उसमें फ्लश वाल के लिए इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। आपको फ्लश वाल में आपको इसे अच्छे से टाइट कर देना है। आपके पास प्लायर हो या पाना हो, आपको किसी से भी इसको फिट कर देना है। इसी तरह हमें यहाँ पर दोनों तरफ इसमें एमपी लगाना होगी। तो इस तरह हमारे यहाँ पर फ्लश वाल का कनेक्शन हो चुका है। अब इसे हमारी जो ज़मीन होती है, फर्श होता है, इसको आपको मिनिमम 8 से 10 इंच पर रखना है, ताकि हमें जो नीचे फर्श में कहीं पर भी दिक्कत ना आए इसके यूज़ करने में। तो चलिए यहाँ इस पाइप का टुकड़ा हम यहाँ पर नाप के इस फ्लश वाल को फिट कर लेते हैं। आपको पाइप को जब भी काटे तो आपको उस पाइप को सही से काटना है, बाकी नहीं काटना है। और इसके जो मुंह पे कटिंग के बाद जो थ्रेड आते हैं उसको वहाँ पर आपको इसको अच्छे से साफ कर लेना है। चलिए हम सोल्यूशन लगा के इस पाइप को इस फ्लश वाल में फिट कर लेते हैं, और फ्लश वाल को हमारी जो मेन लाइन आने वाली है उसमें फिट कर लेते हैं, जिससे हमारा यहाँ पर फ्लश वाल का कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हमारा फ्लश वाल का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें यहीं से फ्लश वाल से नीचे की ओर हमारी शीट में कनेक्शन देना होगा। तो उसका कनेक्शन किस तरह करना है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें नीचे की ओर एक ब्रश एक एल्बो लगने वाली, एक इंच की एल्बो लगने वाली है। यहाँ पे हमारी जो शीट है आपको मिनिमम इससे कम 2 से 3 इंच नीचे रखना है पाइप को, ताकि हमारे जो फर्श लगे, फर्श लगाने में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। हमारे जो फ्लश का जो पाइप होता है, हमारी जो शीट की हाइट होती है, आपको मिनिमम उसे 3 इंच से 2 इंच से 3 इंच नीचे रखना है। आपको जो पाइप है हमारा, इसको शीट के लेवल से नहीं रखना है, इसको हमेशा नीचे रखना है। तो चलिए यहाँ पे हमें इसको टी को एल्बो को फिट कर लेते हैं, और इसका कनेक्शन हम यहाँ पर शीट में कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका कनेक्शन हमें पीछे की ओर करना है। तो यहाँ पर इस एल्बो को हम यहाँ पर रख के इसकी नप्ती कर लेते हैं, उसकी पाइप की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों
तो चलिए यहाँ पे हमने पाइप की कटिंग करके इसकी फिटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे इंसुलेशन लगा लेते हैं। आप जब भी कहीं पर भी इंसुलेशन लगाए पाइप में, आपको इंसुलेशन अच्छे से सही से लगाना है, वरना हमारी जो लाइन की जो लीकेज की दिक्कत होती है कई बार इंसुलेशन गलत लगाने की वजह से होती है, जिससे हमारे जो फर्श लगने बाद हमें काफ़ी दिक्कत आती है, हमें फ़र्श फोड़ना पड़ता है, या कई बार हमारी लीकेजिंग का पता ही नहीं चलता कि हमारी लीकेजिंग बाथरूम में या शीट में कहाँ से हुई है। तो आप जब भी फिटिंग करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इंसुलेशन अच्छे से लगाएं। तो चलिए यहाँ पे हमने इस पाइप को काट के इसकी भी फिटिंग कर लेते हैं। हमें यहाँ पे पीछे की ओर इसके लिए एक पॉइंट देना होगा, एल्बो लगाना होगी फ्लश के लिए। जब भी हम फ्लश वाल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा पानी यहाँ से होते हुए हमारी शीट के लिए फ्लश हो जाएगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी आसान तरीके से बताया कि नल फिटिंग किस तरह से की जाती है, शावर फिटिंग किस तरह से की जाती है, फ्लश वाली फिटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो गैप है पीछे को, यहाँ पे हमें आप अच्छे से सीमेंट लगा देना है। अब यहीं से हमें जो मेन कनेक्शन जो टंकी से आने वाला है वो कनेक्शन हमारा बाहर की ओर आने वाला है, बाहर हमारी एक टंकी फिट होने वाली ऊपर की ओर छत पे। तो यहाँ पे हमें एक इंच एल्बो लगा के बाहर का इसका लिए कनेक्शन करना होगा। हमें जो टंकी फिटिंग की वीडियो भी आगे हम इस चैनल पर डालने वाले हैं, किस तरह टंकी सिंटेक्स से टंकी फिट की जाती है दोस्तों, इस पर भी हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं और चैनल पर डाले हैं दोस्तों। अगर आप टंकी फिटिंग से रिलेटेड, हाउस वायरिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पर देखें। तो चलिए यहाँ पे हमने इस एल्बो को यहाँ पे इसमें फिट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको टी में लगा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमें काफ़ी आसान तरीके से बताया नल फिटिंग किस तरह से की जाती है दोस्तों। आप कहीं पर भी कितने भी बाथरूम के लिए इस तरीके से काफ़ी आसान तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्लश वाल की फिटिंग, शावर की फिटिंग, बेसिन की फिटिंग। अब हम समझ लेते हैं हमने यहाँ पे फिटिंग किस तरह से की है। यहाँ पर हमारा जो मेन कनेक्शन आने वाला है वो यहीं से आने वाला है, टंकी से जो कनेक्शन होते हुए यहाँ पर एक इंच की टी लगाई है, हमें दो कनेक्शन जाने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक आधे इंच की, एक बाई आधे की टी लगा एक ब्रश एल्बो से कनेक्शन नल के लिए कनेक्शन किया है, और यहीं से हमने ऊपर की ओर एक इंच एल्बो लगाकर यहाँ पर एम टी ए का कनेक्शन किया है फ्लश वाल के लिए। दोनों तरफ हमने यहाँ पर एक इंच एम टी एस का यूज़ किया है, और यहीं से हमने नीचे की ओर इस कनेक्शन को यहाँ पर भी एम टी लगाया एक इंच का, और यहाँ पर एक एल्बो यहाँ पर लगाया हमने, और यहाँ से इस तरह से हमने फ्लश वाल का कनेक्शन किया है दोस्तों। तो चलिए अब हमने उस तरफ नल की फिटिंग किस तरह से की है वो भी हम समझ लेते हैं। इसी टी से हमारा कनेक्शन उस तरफ बाथरूम में गया हुआ है, यहाँ पर एक इंच टी का कनेक्शन हमने यहाँ पर इस तरफ बाथरूम में लिया है, और यहाँ पर हमने इस तरफ एक बाय आधा इंच की टी लगा के ऊपर एक नल के लिए कनेक्शन किया है, एक शावर के लिए कनेक्शन किया है दोस्तों। यहाँ पर हमें एक ब्रश टी लगी है, और यहाँ पर हमने कंडीशनर वाल का कनेक्शन किया है दोनों तरफ एम टी लगा के, और यहाँ पर हमारा शावर फिट होने वाला है, यहाँ पर हमने ब्रश एल्बो का यूज़ किया है एक आधा इंच की, और यहीं से हमने यहाँ एक आधा इंच का रिड्यूसर लगा है, एक बाय आधा इंच का रिड्यूसर लगाना है जो बेसिंग के लिए हमने एक आधा इंच की लाइन लगाए हैं। यहाँ पर हमने एक आधा इंच की एल्बो लगा के इस तरफ बेसिंग का कनेक्शन किया है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये हमारे पास आधा इंच का कॉग है, आप जब भी फिटिंग करें तो आपको इसको ब्रश एल्बो वगैरह में लगा लेना है, ताकि प्लास्टर वगैरह में कहीं पर भी हमारे इस एल्बो या टी वगैरह में सीमेंट नहीं घुसे, वरना हमें नल कसने में काफ़ी दिक्कत आती है। आपको यहाँ पे इसको लगा के अच्छे से टाइट कर देना है, जहाँ पर भी हमने जहाँ जहाँ पर भी पॉइंट छोड़े हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको शब्बूर इस कॉक को लगा देना है, आधा इंच कॉक को। चलिए यहाँ पे हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमने यहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से बताया दोस्तों नल फिटिंग किस तरह से की जाती है।